बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम. मैं अपनी पार्टी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. मुझसे कहा गया है कि हमारे पास सिर्फ 7 मिनट का समय है और 7 मिनट के समय में तो पता नहीं ऐसे नहीं, मैं आपको टोक नहीं रही हूं. सीरियस मुद्दे पर कहां कैसी बात करें, मगर ये मैं जरूर कहूंगा कि मैं आज थोड़ा सहमा सा हूं. मुझे भी पार्लियामेंट में बहुत साल हो गए हैं, ये मेरा चौथा टर्म है, और जब आईने की बात आ रही थी तब मैं सोच रहा था आईना मुझसे वो पहली सी सूरत मांगी. और पहली सी सूरत क्या थी मैडम? यहां गुनाहों का लेखा जोखा हो गया. आपके गुनाह ये हैं, आपके गुनाह ये हैं, और हम बेगुनाह. आज हमने सोचा था कि जो बातचीत होगी, जो बहस होगी, और आपने भी बहुत शालीनता से हमें ये दिशा दी थी कि भैया आप जो भी आज करें थोड़ी इस संसद की गरिमा को नजरअंदाज मत कीजिएगा. और मैं ये बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं? ये बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं मैडम कि पूरा देश देख रहा है कि आज ऐसी बात होगी संसद में इस तरफ से या इस तरफ से, दोनों तरफ से एक सुर मिलेंगे. कहा ना कि सुर मिले मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा. मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम थोड़े बेसुरे हो गए. और ये आईना की बात आई है, देश ये आईना देख रहा है. और जहां टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की बात आई है, मैं समझता था कि इसी विषय पे चर्चा होगी और ऐसे मुद्दों पे बात होगी कि किस प्रकार से, रेल मंत्री रहा हूं इसलिए रेल का जिक्र कहूंगा कि हम जिस पटरी पर चल रहे हैं उसी पटरी पर चलते रहे मगर डीरेल ना हो जाए. और कहीं ना कहीं ये मान के चलना पड़ेगा कि समथिंग हैज परहैप्स गॉन रॉन्ग, वरना हम इस विषय पर आज चर्चा ही क्यों करते. व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट लाइक बीइंग इनटॉलरेंट? दिस इज अ कंट्री, दिस इज अ कंट्री मैडम ऑफ कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, रामानुजम, रहीम, विवेकानंद, नरसी मेहता, श्री अरबिंदो, टैगोर. हमें तो लगता है कि पूरी रात निकल जाएगी और हमारी खैरिश खत्म नहीं होगी. और यही है हमारा परिचय, हमारा परिचय इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं. विवेकानंद की जब बात आती थी सबने कोट किया है, हम भी थोड़ा सा कोट करेंगे, दैट आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी. यही है हमारा असली चेहरा. मगर कहीं ना कहीं आज बहस हो गई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी. मुझे नहीं लगता है कि ये बहस की कोई चर्चा थी. मुझे याद आता है विंग कमांडर राकेश शर्मा. विंग कमांडर राकेश शर्मा जो पहले हिंदुस्तानी थे, आपको मैडम याद होगा, जो स्पेस में गए थे, और उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूछा कि राकेश जी आपको हिंदुस्तान कैसा लग रहा है, तो विंग कमांड राकेश जी ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. यही है मैडम हिंदुस्तान की पहचान. और हमें ये तय करना है कि कहीं हमसे गलती हो रही है कि नहीं हो रही. और यदि हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं
कि गलती नहीं हो रही, हम सीधा ठीक ही चल रहे। ये जो दस्तावेज सबको मिले हैं लाइब्रेरी से, जब भी बहस होती है हमारी लाइब्रेरी बहुत अच्छा रिसर्च करती है, और यदि इस रिसर्च पेपर में हम जाएं तो ये जितने भी साइंटिस्ट कहे, लिटरली लोग कहे, इंटेलिजेंसिया कहे, आर्टिस्ट कहे, ये जो अवार्ड वापसी हो रही है कहीं ना कहीं कुछ है। और यदि आमिर खान कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं, उनकी बात है। अब उसका मतलब नहीं कि हम सबको दूसरे देश भेज दें, और यदि दूसरे देश भेजते हैं तो वो भी हमारे डायस्पोरा ही हो जाते हैं, प्रधानमंत्री हमारे जाके उन्हीं पर मुखापित होते हैं। और आप यदि सबको पाकिस्तान भेजेंगे तो ये टू नेशन थियरी फिर से वन नेशन थियरी बन जाएगी, कितने को आप भेजोगे। और आज चूंकि मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, उसीलिए संक्षेप में मोटी मोटी बातें रखना चाहूंगा कि आज यदि आमिर खान कुछ कहते हैं उसका महत्व कम है, यदि कोई सांसद कुछ कहता है उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे हाउस में प्रिविलेज है। कहीं यदि कोई कुछ कहता है, आज वो मैगजीन की बात कही कि यदि उसने गलत लिखा है तो प्रिविलेज का मामला बनता है। तो आज इस हाउस की गरिमा का सवाल है, कैसे कैसे शब्द अशब्द का उपयोग होता है इस हाउस के बारे में, और मैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। मैडम, अभी कल ही की बात है, मैं एफएम रेडियो सुन रहा था, दोपहर के करीब 2 बजे थे, और जो रेडियो जॉकी है वो कहता है कि आपको यदि कोई तमाशा नाम की फिल्म आई होगी वो देखने बाहर नहीं जाना है तो आप टेलीविजन क्यों नहीं खोलते हैं, पार्लियामेंट तो सबसे बड़ा तमाशा है। जब यहां आतंकवादियों का हमला हुआ और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल ताकत से लड़े और शहीद हुए, बहुत सारे लोग, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, मगर ये कहने लगे कि आज संसद में बहुत दुख की बात होगी कि एक सांसद नहीं मारा गया। ये है हमारा रिफ्लेक्शन, तय हमें ये करना है कि हम चिंगारी आग बुझाएंगे या आग को लगाएंगे। कहते हैं ना, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझा, सावन जो अगन लगाए तो उसे कौन बुझाए। ये बहुत बड़ा देश है और इस देश पे हमें सबको नाज है। मैडम, पूरा विश्व आज तकलीफ में, और उसको रास्ता दिखाने वाला हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान यदि कहीं डगमगा गया और इस चक्कर में हम पड़ गए कि ये माइनॉरिटी है, ये मेजॉरिटी है, और हिंदू धर्म वो ऐसा एक धर्म है जो मैं इसको तो कहता हूं ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, वो साइंस है, प्योर साइंस है, और प्योर साइंस सबको लागू करता है। न्यूटन्स थियरी एक मजहब या दूसरे मजहब को नहीं लागू करती, सब मजहब को लागू करती। तो आपका चाहे स्वच्छ भारत का अभियान, जो कि बहुत अच्छा अभियान है, वो अभियान सफल तभी होगा मैडम जब हमारे विचार स्वच्छ होंगे, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम साथ मिलकर कहीं ना कहीं, गरीबी से टॉलरेंस नहीं हो सकती। मैडम, गांधी जी ने, जो टॉलरेंस के एक बड़े पुजारी, अपना आंदोलन चोरा चोरी का आंदोलन स्थगित कर दिया, जिसके लिए कितने लोग शहीद हुए, के चोरी चोरी उसका आंदोलन, चोरी चोरा का आंदोलन स्थगित इसीलिए किया कि 25 सिपाही को जिंदा जला दिया गया था, कि मुझे ऐसा आंदोलन नहीं चाहिए जहां वायलेंस हो। तो मैडम, हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा, और आपस में मिलकर पॉवर्टी से लड़ाई, जो प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि ऐसे पॉवर्टी से लड़ाई नहीं हो सकेगी जब हम डिवाइड है। आज शाम के बाद जब घर जाते हैं तो मैसेज क्या जाता है, आर वी यूनाइटेड और आर वी डिवाइडेड, देयर इज नथिंग रॉन्ग।
Difference doesn't mean defiance. In democracy, there has to be difference, otherwise there will be one-party government. But on certain basic structures like drinking water, like poverty, like law and order, like defense, I don't think so there could be any other view than making sure that we fight for it. And madam, I still have a lot of hope that outside this country is certainly very tolerant. I will not accept that this country is not tolerant. We have tolerated for years and years and years together a lot of things. We belong to a country of Gandhi, and that is what Mahatma Gandhi has taught us and a lot of such leaders have taught us. And please, and I am not going to give a sermon because uske kabil to main nahi hu. Magar yehi hai ki mazhab nahi sikhata aapas mein bair karna. Hindi hai hum watan hai, Hindustan hamara. Madam, before you stop me, I again want to thank you so very much for